सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो ये है जर्मन एसयूवी पे। अभी जर्मन एसयूवी कौन सी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आती है फोक्सवैगन की तरफ से, ठीक है। तो ये फोक्सवैगन गाड़ी पे फोक्सवैगन की कौन सी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये हमारी फोक्सवैगन की टाइगुन। अब आप बोलोगे भाई टाइगुन तो आप दिखा चुके, तो भाई ये आपको बता दो ये TSI मतलब ये 1 लीटर TSI टॉप लाइन का वेरियंट है, ठीक है। तो भाई ये वेरियंट आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो तो भाई ये वीडियो पूरी देखने में मैं आपको बताऊंगा इज इट वर्थ द मनी विच यू गिव। तो भाई कीमत की बात आगे करते हैं, ठीक है। तो भाई और अगर आपकी जानकारी में कोई ले रहा हो तो उनके साथ शेयर कर देना, वीडियो अच्छा लगता लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे वीडियो, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, मैं आपको मिलता हूँ बाहर से मिलता कि आपको चीज़ें दिखाता जाएगा पूरा टॉप लाइन वेरियंट मिलती। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी भाई, तो ये टाइगुन का टॉप लाइन वेरियंट है 1 लीटर TSI में, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 लीटर TSI में टॉप लाइन आता है। कीमत की बात कर ले तो भाई कीमत इसकी जो आपको पड़ती है, कीमत आपकी पड़ती है या आपकी पड़ती है 14,95,000। ये आपको एक शोरूम पड़ जाती है, ऑन रोड दिल्ली की बात करें 17,28,000 आपको ऑन रोड पड़ जाती है गाड़ी। अब भाई मैं अभी जो फोक्सवैगन का जो लोगो है ना भाई, ये जाना जाता है भाई ड्राइविंग प्लेजर। अब ड्राइविंग प्लेजर किस चीज़ से आता है भाई, अंडर द हुड। तो भाई आप अंडर द हुड की सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, आपको अंडर द हुड क्या मिलता है, कौन सा इंजन मिलता है। तो भाई इसमें आपको बता दूँ, इसमें आपको 1 लीटर TSI इंजन मिल रहा है, जो कि आपको जो कि सेम आपको पोलो वेंटो रैपिड इन सब में मिलता था। पावर स्पेसिफिकेशंस की बात करें, इसमें आपको 150 हॉर्स पावर 175 न्यूटन मीटर्स का इसमें आपको टॉर्क मिल जाता है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो 18 KMPL कंपनी क्लेम करती है, हो सकता है मैं गलत हो तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि करेक्ट फ्यूल एफिशिएंसी है। इंजन बे की बात करें तो अच्छा खासा पैक्ड है, तो भाई उस वजह से आपके लेबर कॉस्ट वगैरह ज्यादा आती है। लेकिन भाई आप इसको जब चलाओगे ना रिग्रेट नहीं करोगे भाई, ये इंजन ऐसा भी नहीं कि एकदम अंडर पावर से लगे, ऐसा कुछ नहीं भाई। मैंने चलाई अंडर पावर एटलीस्ट नहीं लगता भाई, और मैनुअल में चलाओगे ना भाई इसमें भी बहुत आपको मजा आएगा। बोनट पे आपको इंसुलेशन वगैरह नहीं मिलती, लेकिन भाई बोनट का वेट अच्छा खासा है। भाई ये दिखाता भी कि भाई गाड़ी बहुत सॉलिडली बिल्ट है। और भैया अभी आपको बता दें, ये कार अभी सेफेस्ट कार इन इंडिया। खैर उन सब चीज़ों की बात अंदर चल के करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ इस गाड़ी में और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडलाइट सेटअप से शुरुआत करते हैं। तो भाई उससे पहले आपको बता दो, एकदम मिनी टिगवान लगती है, जो टिगवान ऑल स्पेस आती थी ना भाई, एकदम वैसी लगती है इसके जो इसका फ्रंट फेस है ना, ठीक है। अब मैं आपको एक बार इसका हेडलाइट सेटअप दिखा देता हूँ। तो भैया इसका हेडलाइट सेटअप है जैसे कि आप देख सकते हो, जिसमें यहाँ पर आपको होता है, इसमें आपको बाईफंक्शनल हाई बीम लू बीम के लिए एक LED बल्ब मिल जाता है, प्रोजेक्टर आपको बता देता हूँ, ठीक है। जिसके थ्रो की बात करें तो मैं नाइट में पर्सनली कार ड्राइव नहीं की तो मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा कि इसका थ्रो कैसा है। यहाँ पर आपको इसका एक DRL, यहाँ पर आपको इसकी DRL मिल जाती है, यहाँ पर आपको इसका एक इंडिकेटर मिल जाता है, जो कि आपको LED मिलता है। इस यूनिट में आपको कोई भी हैलोजन बल्ब नहीं मिलता है, आपको खाली सी स्पेस मिल जाती है, ठीक है। ये पता नहीं किस लिए, हाई बीम के लिए भी नहीं भाई, हाई बीम ऑन करके देख लिया मैंने, ये नहीं जलती है, ये ऐसी खाली जगह। यहाँ पर आपको क्रोम मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको स्कैन क्रोम मिल जाता है, और यहाँ पर भी आपको हेडलाइट में क्रोम मिल जाता है। और चीज़ों की बात करें नीचे की तरफ, तो भाई यहाँ पर आपको इसके फॉग लैम्प मिल जाते हैं, जो कि आपको ये हैलोजन है, इसमें आपको कॉर्निंग फंक्शन भी मिल जाता है। अब जिस साइड इंडिकेटर दो गया स्टीयरिंग मोड का, तो उस साइड के फॉग लैम्प ऑन हो जाएगी, जिससे आपको रात में एक बेटर व्यू मिल जाए। या आपको हैलोजन मिलता है, जो कि भाई एक सही चीज़ है, क्योंकि भाई एक चीज़ बताऊँ, फॉग कंडीशन में ना आपका हैलोजन ही कामयाब है, LED से आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो भाई आप भी बोलोगे पता नहीं ये वाइट क्यों दे दी, भाई ये एक सही चीज़ अच्छा फोक्सवैगन ने आपको यहाँ पर हैलोजन नहीं दी। यहाँ पर आपको क्रोम मिल जाता है, यहाँ पर आपको इसका टोइंग हुक मिल जाता है। आपको बता दूँ ये क्रोम पूरी कार में कंटिन्यू होता है, ये देखो, ठीक है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होते हुए पूरी गाड़ी में कंटिन्यू होता है। और यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है बम्पर पे, और यहाँ पर आपको इसकी सिल्वर स्किट प्लेट भी मिल जाती है। डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, तो भाई इसकी जो लेंथ, जो इसकी विड्थ है ना, इसकी जो विड्थ है 1760 mm की इसकी विड्थ है, और लेंथ अगर आपको देखो तो 4221 mm की इसकी लेंथ है, जैसे कि आप देख भी सकते हो। तो एक चीज़ बताऊँ, कुछ शार्क से कम लंबी है, लेकिन भाई रियलिटी में अगर आप देखो ना लंबी ज़्यादा लगती है। और अगर आपको पता है इसकी हाइट, तो 1612 mm की इसकी हाइट है, जो कि मैं आपको दिखा भी दूँ इसकी वजह से हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं, तो भाई इसमें आपको 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि भी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है। रनिंग बोर्ड भी बहुत मिनिमल है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं कि आपकी गाड़ी की अंडर बॉडी हिट करेगी या स्क्रेप करेगी, आप इस गाड़ी को इजिली बड़े बड़े पिकअप पॉटल से निकाल सकते हैं। और चीज़ों की बात करें साइड में, तो भाई यहाँ पर आपको इसका ORVM मिल जाता है, जो कि भाई आपको तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डर, इसमें आपको ऑटो फोल्डिंग भी मिल जाता है। अब एक चीज़ बताओ, जो शेप है ना, ये फोक्सवैगन पोलो वेंटो रैपिड उन जैसे ही सेम है, पर जैसे साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और यहाँ पर आपको इसमें इंडिकेटर भी ORVM भी मिल जाता है। फेंडर की बात करें तो फेंडर आपको कोई GT वगैरह की बैजिंग नहीं मिलती, कि भाई GT वेरियंट है भी नहीं। GT वेरियंट अगर आप लोगे तो यहाँ पर आपको GT की बैजिंग मिल जाएगी, उसकी ऐसी जगह भी दी गई है। और चीज़ों की बात करें तो भाई यहाँ पर आपको, अब मैं आपको इसका टायर्स दिखा देता हूँ। तो भाई ये इसके कुछ टायर्स, अगर अलॉयज की बात करें भाई, वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग अलॉयज है। क्रेटा से अगर कंपेयर करें, क्रेटा के मेरे को थोड़े से सही भी लगते हैं, सेल्टॉस के भी सही है। मैं एक चीज़ बोलते, इस सेगमेंट में ना किसी भी गाड़ी के ऐसे अलॉयज अजीब से नहीं लगते, सबके सही लगते हैं। लेकिन भाई इसके बेस्ट लुकिंग में सही बोलूँगा भाई, बहुत सही इसके अलॉयज लगते हैं। जो फोक्सवैगन के ID4 इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, आप एक बार सर्च करना, एकदम वैसे अलॉयज से इंस्पायर्ड लगते हैं। प्रोफाइल की बात करें
205 55 R17 17, जिसके आपको इसमें डायमंड कट अलॉयज मिल जाते हैं। ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में डिस्क और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाती है। अब आप बोलोगे कि यार भाई इसमें तो फोक्सवैगन की गाड़ियाँ जानी जाती है जो लोगों के भगाने के मामले, भाई इसमें तो सिर्फ दो ही डिस्क ब्रेक है। भाई ऐसी बात नहीं है भाई, ब्रेकिंग भी इसकी सही है, ऐसा कोई है नहीं कि स्पॉन्जी सी अजीब सी फील हो या गाड़ी रुके ना, भाई ब्रेकिंग इसकी सही, मैंने चला के देखी है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। हर चीज़ों की बात करें तो भाई यहाँ पर आपको विंडो लाइनिंग पे क्रोम मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्रोम डोर हैंडल्स विद केलेस एंट्री भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाती है। यहाँ पर आपको फुक्स, यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, फुक्स वैगन का लोगो आपको मिलता है। और यहाँ पर आपको एक रूफ रेल्स भी मिल जाती है जो कि आपको सिल्वर फिनिश मिलती है। और यहाँ पर आपको एक ऊपर सनरूफ भी मिल जाती है, इसमें आपको डुअल टोन ट्रीटमेंट और जीटी की तरह नहीं मिलता, ठीक है। और चीज़ों की बात करें क्वार्टर पैनल, तो क्वार्टर पैनल आपको जैसे ग्लास मिल जाता है ब्लैक कलर का, मतलब ऐसे पियानो ब्लैक फिनिश आपको बता दूँ। पीछे की तरफ चले तो पीछे से इसकी कुछ ऐसी लुक है जैसे कि आप देख सकते हो भाई, इसकी टेल लाइट्स देखो यार, मतलब ये जो कनेक्टेड ना, ये बड़ी फेमस भी है, जो कनेक्टेड वाली जो फील है ना भाई, ये वो देती है यार। मतलब क्रेटा में तो सिर्फ इधर तक आती है ना भाई ब्रेक लाइट के लिए, भाई ये पूरी मेन टेल लाइट भी उसकी जलती है। टेल लाइट सेटअप की बात करें तो भाई आपको पूरी की पूरी आपको LED मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसकी ब्रेक, अगर ब्रेक दोगे तो ये लाइट जल जाएगी, आपको हैलोजन मिलती है, इंडिकेटर आपको इसका हैलोजन मिलता है, रिवर्सिंग लाइट्स भी आपको इसमें हैलोजन मिलती है। यहाँ पर आपको इसमें पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको फोक्सवैगन का लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा जो कि आपको फैक्ट्री फिटेड है, सीरी का पार्ट नहीं है। और यहाँ पर आपको ये नंबर प्लेट की लाइट भी आपको LED मिल जाती है। यहाँ पर आपको टाइगुन की बैजिंग स्पेस दे देकर लिखा हुआ है, TSI की बैजिंग जो कि दिखा रहा है, ये 1 लीटर TSI वेरिएंट है। फुल फॉर्म की बात करें तो बहुत सारा सर्टिफाई इंजेक्शन आपको मिल जाता है इसमें। और चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 2 3 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। आपको 2 रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं इस गाड़ी में जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक ऐसी क्रोम फिनिश भी मिल जाती है जो कि दिखा रही है, थोड़ा सा डिफ्यूजर ट्रीटमेंट है। यहाँ पर आपको एक सिल्वर स्किट ब्लेड भी मिल जाती है पीछे की तरफ। अब बूट स्पेस की बात करें भैया, मैं आपको एक बार इसका बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ जो कि भाई फोक्सवैगन ने दिखाया था अभी कि भाई हम अपनी गाड़ी में बहुत अच्छा खासा बूट स्पेस आपको मिलता है। तो भैया देखो इसका कुछ ऐसा बूट स्पेस है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब सामान पड़े तो भाई प्लीज़ माइंड मत करना। स्पेस की बात करें तो मेरे ख्याल से 580 लीटर्स या 85 लीटर्स का इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है। मैं एक बार आपको करेक्ट लिख दूंगा, मैं भी एक्जैक्टली श्योर नहीं, मैं भूल गया अचानक से। मेरे ख्याल से 580 लीटर्स का इसमें आपको बूट स्पेस मिलता है। यही पर अगर रियलिटी में देखें ना भाई, इसमें आप 3-4 सूटकेस आराम से रख सकते हो। यहाँ पर आपको इसका बूट लैम्प भी मिल जाता है जो कि आपको हैलोजन मिलता है। यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक कवरिंग भी मिल जाती है जिसकी भाई क्वालिटी की बात करें तो भाई अगर मैं बात करूँ तो भी थोड़ी सी हल्की क्वालिटी का है वाटर से अगर कंपेयर करो ना। और यहाँ से आप इसको पकड़ के ऐसे बंद भी कर सकते हो बूट को। और चीज़ों की बात करें स्पेयर टायर की, आपको स्पेयर टायर भी दिखाया जाता है भाई, ठीक है। तो भैया इसका कुछ स्पेयर टायर है जैसे कि आप देख सकते हो। अगर मैं प्रोफाइल की बात करूँ तो प्रोफाइल आपको बता दूँ तो इसकी प्रोफाइल है 95 65 R15 इंचेस का आपको ये मिल जाता है, क्या कहते हैं, स्टील भी मिलता है आपको, पाना जैक वगैरह टूल किट आपको सारी की सारी इधर मिल जाती है, ठीक है। और चीज़ों की बात करें तो भाई एक सेकंड भाई, और चीज़ों की बात करें तो भाई गाड़ी की बात हो गई बाहर से। और हम आपको बता दें इसमें आपको इस वेरिएंट में आपको रेयर वाइपर, डिफॉगर, हाई स्टॉप लैंप और आपको एक स्पॉइलर भी आपको इस गाड़ी में मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो भाई अब अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाया था कि आपको अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है इस वेरिएंट में, ठीक है। तो चलो अंदर चलते हैं। अंदर जाने से पहले आपको भाई इसका एक बार डोर कार्ड दिखाया था। तो भाई ये देखो इसका कुछ ऐसा डोर कार्ड है जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको इसका डोर ओपनर मिल जाता है जो कि भाई वोटर्स में भी ऐसे लगता है एकदम भाई ऐसा लगता है ऑडी का डोर ओपनर हो, आप ऑडी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सेंट्रल लॉकिंग कंट्रोल्स में जो कि भाई बहुत अच्छे लगते हैं, प्रीमियम भी भाई बहुत लगते हैं यूज़ करने में। यहाँ पर आपको इसके अराउंड थोड़ी सी ग्रे फिनिश भी मिल जाती है और यहाँ पर आपको कुछ ऐसे लेदर फिनिश मिल जाती है। यहाँ पर आपको ब्लैक और वाइट का ट्रीटमेंट दिया गया, बेज नहीं है, वाइट आपको मिलता है। यहाँ पर आपको डोर पकड़ने का हैंडल मिल जाता है। यहाँ पर आप सब अपने और भी एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो मिल जाती है, यहाँ पर अपनी पावर विंडो लॉक कर सकते हो। और ऑटो अप डाउन फीचर आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें मिलता है, क्या कहते हैं, ड्राइवर के लिए आपको मिलता है, ठीक है। और चीज़ों की बात करें तो भैया आप अंदर चलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कि आपको इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। वह डोर थर्ड की बात करें, ये देखो भाई डोर थर्ड भाई बहुत अच्छा लगता है इसका। और चीज़ों की बात करें तो भाई सबसे पहले मैं आपको इसका एक बार इसकी ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ। यार एक बार इसकी ओवरऑल लुक देखो इंटीरियर की, मतलब एक चीज़ पता है वर्टोस का इंटीरियर मेरे को थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लगा, लेकिन भाई इसका भी कोई बुरा नहीं है, भी आपको अच्छी खासी प्रीमियम फील देता है, ठीक है। तो भाई आप इसको सिमिलर आपको वर्टोस में भी सेम ऐसे ही वो मिल जाते हैं, क्या कहते हैं, एसी वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आपको सेम भाई टच स्क्रीन मिल जाती है जो कि आपको 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन मिल जाती है जो कि इसमें आपको इसमें बताऊँ इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले सब आपको मिल जाता है। अब एक चीज़ बताऊँ GT से इसमें क्या, मतलब वर्टो टाइगुन GT प्लस से क्या डिफरेंस है, जो आप देख रहे हो ना डिवाइसेस, ये आपको ब्लू में मिलता है, ये देखो सब आपको ब्लू में मिलता है। GT में आपको रेड, ये सब चीज़ें ना रेड में मिलती हैं। और इसमें आपको वैले पार्किंग मोड वगैरह ये सब आपको मिल जाता है, ठीक है। तो भैया आपको बता दें इसकी
और इसकी एक डिटेल्ड वीडियो आ चुकी है, तो वो वर्टोस का रेफरेंस लेके बनाया, लेकिन बस दो चीजें सेम है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो इन डिटेल फीचर्स जानने के लिए। और चीज़ों की बात करें तो भाई यहाँ से अपना होम पे जा सकते हो, ठीक है, यहाँ से अपना इसको हॉटस्पॉट दोगे तो वाईफाई क्रिएट कर दे, हॉटस्पॉट कर देगा, मेरे को ये फीचर क्या है मेरे को आज तक समझ नहीं है। यहाँ पर आपको टाइम दिखा रहा है, अपना ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ भी कर सकते हो, यहाँ से अपने सेटिंग्स भी ब्राउज कर सकते हो, मतलब कि कार के रिलेटेड आपको तो इसमें सेटिंग्स भी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें आपको ड्राइव इन्फो वगैरह सब आपको पता चल जाता है, मतलब आपको व्हीकल स्टेटस वगैरह क्या है, ट्रंक ये सब आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, आपको VW एप्स वगैरह ये सब मिल जाते हैं। और इंटीग्रेशन भी ये देखो ना, इसका इंटीग्रेशन भी यहाँ से देखो यार, इंटीग्रेशन भी बहुत सही किया फोक्सवैगन ने भाई, बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पर आपको इसमें कुछ ऐसे पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ग्रे फिनिश मिल जाती है इसके अराउंड, यहाँ पर आपको इसके कुछ ऐसे AC वेंट्स मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, इसके अराउंड थोड़ी सी आपको सिल्वर फिनिश भी मिल जाती है, और यहाँ पर आपको इसका AC पैनल मिल जाता है, तो कि जिसके अंदर आपको थोड़ी सी ग्रे फिनिश भी मिल जाती है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी ग्रे फिनिश मिलती है। यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाती है, जो कि आपको GT में अब मिलने लग गई, पहले नहीं मिलती थी। यहाँ पर आपको इसका हजार लाइट का स्विच मिल जाता है, जो कि आपको ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है। एक चीज़ बताऊँ भाई, ये मेरे को बहुत सही फीचर लगा, सपोज करो आप रात में चल रहे, आपने गाड़ी रोके हजार लाइट ऑन कर दिया, अब आप हजार लाइट ऑफ करना भूल गए, तो आप देखोगे अरे ब्लिंक क्या कर रहा, आप देखते भाई हजार लाइट ऑन है तो गाड़ी बताई आप उसको ऑफ कर लो, क्योंकि कभी कभी ध्यान नहीं होता भाई बंदा भूल जाता है, लेकिन आपको गाड़ी याद दिला देख भाई आप इसको ऑफ कर लो। और चीज़ों की बात करें तो भाई यहाँ पर आपको फ्रंट डिफॉगिंग विंडशील्ड का आपको मैक्सिमम पे करने के लिए वो ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से अपना रेयर डिफॉगर चला सकते हैं। यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिल जाती है, आपको AC के रिलेटेड कंट्रोल्स बता दी कि आपको फैन स्पीड कितना, टेम्परेचर कितना, वो सब आपको बता देती है गाड़ी, ठीक है। यहाँ से अपने AC कंप्रेसर चालू कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑन कर सकते हैं, यहाँ से आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एयर रिसर्कुलेशन मोड ऑन कर सकते हैं, सब एयर केयर ऑन कर सकते हो, मतलब एयर केयर लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई आपको बताऊं तो ये जो चीज़ है ना, आपको बताऊं अगर प्रॉपरली, तो भाई मेरे को ना ये प्रैक्टिकलिटी इसकी नहीं समझ नहीं है, कि भाई जो नॉब वाली चीज़ होती है ना भाई, वो ज़्यादा सही होती है, एटलीस्ट AC के लिए ना मैं मानता हूँ भाई, सारी कंपनी उसको बोल रहा हूँ भाई प्लीज़ वो नॉब दे दो भाई, ये बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, ये कि पर्टिकुलर सेटिंग पर रखना है ना तब इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब पर्टिकुलर सेटिंग पे रखना भी बहुत डिस्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन एक्सट्रीम पे अगर आप रखना है ना, मतलब एकदम फुल पे रखना है, एकदम कम पे रखना है, तब इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। और चीज़ों की बात करें तो भाई यहाँ पर आपको इसका वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, यहाँ पर आपको दो टाइप से की USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जो कि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि फोक्सवैगन एक टाइप ए वो ज़्यादा सही चीज़ होती है, हर किसी का फोन टाइप सी से कंपैटिबल नहीं होता उस वजह से, ठीक है। यहाँ पर आपको इसमें कुछ ऐसे पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है, यहाँ पर आपको इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है, ठीक है। और भाई यहाँ पर आपको इसमें एक 6-speed टॉक कन्वर्टर गियर बॉक्स भी मिल जाता है, इसमें आपको तो इसमें आपको लाइट भी जलती हुई दिखती है, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आर पे तो आर पे लग गई। अब एक बार रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी की बात कर ले, तो भाई इसकी कुछ ऐसी, जो कि मैं मानता हूँ कि भाई वर्टोस में भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, भाई इसमें भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है भाई, इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं लगा कंसीडरिंग द प्राइस, जैसे कि इसमें आप 17 लाख इसमें भाई फुक रहे हो गाड़ी में, ऑन रोड दिल्ली की बात करें तो भाई कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। और चीज़ों की बात करें तो भाई यहाँ पर आपको कुछ ऐसी सिल्वर फिनिश मिल जाती है, यहाँ पर आपको कुछ कॉइन वगैरह रखने का स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आपको वो भी मिल जाता है, क्या कहते हैं, दो कप होल्डर्स मिल जाता है, यहाँ पर आपको इसकी मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है, जिसमें आपको थोड़ी सी सिल्वर फिनिश मिल जाती है, यहाँ पर आपको स्लाइडेबल आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, आपको लेदर फिनिश मिल जाती है, स्टिचिंग भी भाई इस पर सही है, और यहाँ पर आपको इसमें वो भी मिल जाती है, क्या कहते हैं वो इसका वो भी मिल जाता है, ग्लव बॉक्स वगैरह, इसमें आप छोटी मोटी चीज़ें। और भाई मैं आपको बोलूँगा कि भाई इसमें चाबी जरूर रखना, कि भाई ये जो चाबी ना भाई इसमें खो खान जाने का डर रहता है। चाबी की बात करें इसमें आपको लॉक अनलॉक बूट खोलने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे अपनी फिजिकल की भी एक्सेस कर सकते हो, फिजिकल की आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो, अगर आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन है तो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जो कि भाई बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि यार ये ऐसे फ्लिप की जैसे कि देखते हैं, ऐसा लगता है कि भाई फिजिकल की हो, मतलब आपकी गाड़ी में पुश बटन स्टार्ट ना, भाई मेरे को एक चीज़ ना सही लगी, अगर आप वो दबा के चाबी निकालोगे वो अलग से चाबी को खो खाने का जाने का भी डर रहता है, अगर आप उसको रखोगे नहीं ना टाइम पे तो घबरा जाओगे वो चाबी कहाँ गई, तो उस वजह से मेरे को एक सही चीज़ लगी, ठीक है। और आप इसको इजीली बैटरी डाउन में आप इजीली एक्सेस कर लो यार, हो गया, ठीक है। और चीज़ों की बात करें तो भाई यहाँ पर आपको इसको कुछ ऐसे सीट्स मिल जाएगा, आपको इसमें आपको लेदर राइट सीट्स मिल जाती है इसमें आपको, ठीक है। और चीज़ों की बात करें तो भाई को ड्राइवर साइड में, तो भाई को ड्राइवर साइड में यहाँ पर आपको कुछ ऐसी ग्रे फिनिश मिल जाती है, यहाँ पर आपको कुछ ऐसी ब्लैक फिनिश मिल जाती है, जो कि सही लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मेरे को। यहाँ पर आपको इसमें कुछ ऐसी वो भी मिल जाती है, क्या कहते हैं, AC वेंट्स के अंदर आपको थोड़ी सी सिल्वर फिनिश मिल जाती है, यहाँ पर आपको एयरबैग की बैजिंग, दो ट्विटर आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको इसका वो भी मिल जाता है, क्या कहते हैं वो है, क्या कहते हैं, ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है, जो कि भाई डिसेंट साइज का मैं कहूँगा, अच्छा खासा मतलब डिसेंट साइज का आपको मिल जाता है, ठीक है। इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप इजीली रख सकते हो, यहाँ पर आपको एक स्पीकर, एक बॉटल होल्डर आपको, अगर भाई व्यू थोड़ा ऐसा ऐसा हो गया तो भाई सॉरी, ठीक है। यहाँ पर आपको इसमें एक स्पीकर, एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर आपको इसमें पावर विंडो के कंट्रोल्स, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे लेदर फिनिश, और यहाँ पर आपको इसमें वो भी मिल जाता है, इसका डोर ओपनर भी मिल जाता है,
ठीक है, जो कि मैं आपको सेम दिखा, ऑडी जैसा लगता है, बड़ा सही लगता है। इसका आपको थोड़ी सी ग्रे फिनिश भी मिल जाती है। तो भाई बात हो गई को पैन साइड की, अब एक बार ऊपर चलते हैं तो भाई यहाँ पर आपको इसमें ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है। यहाँ पर आपको इसमें एक वो भी मिल जाता है, क्या कहते हैं, सनवाइजर, जिसमें आपको टिकट होल्डर मिलता है। इसमें आपको वैनिटी वगैरह मिरर वगैरह नहीं मिलता, अगर एक कंपनी दे दी, एक बहुत सही चीज़ पता नहीं टिकट होल्डर देती क्या, जब आजकल सब फास्टैग यूज़ करते हैं, है ना भाई। और यहाँ पर आपको इसमें वो भी मिल जाता है, क्या कहते हैं, वो भी मिल जाता है, क्या कहते हैं, कैबिन लाइट के कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको LED मिलती है, यहाँ पर आपको सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। आपको अगर सनग्लास होल्डर वगैरह नहीं मिलता, एक बार आपको सनरूफ भी दिखा दो भैया, देखो सनरूफ आपको बताते हैं सेल्टॉस से बढ़िया। तो भाई अगर आपके बच्चों वगैरह को भी निकलना, खैर मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को भी, बाई चांस भी अगर पहाड़ों वगैरह पर स्लो स्पीड पर चलो ना, तब आप निकल सकते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। खैर मैं तो कभी बोलूंगा नहीं कि आप इसमें से निकलो, अच्छी चीज़ नहीं है अभी, ठीक है। और चीज़ों की बात करते हैं, यहाँ पर आपको सनवाइजर में एक वैनिटी मिरर मिल जाता है, इसमें आपको शटर या लाइट नहीं मिलता, शटर वाला एटलीस्ट दे देना, थोड़ा सा एक सही चीज़ होती है, ठीक है। और चीज़ों की बात करें तो भाई आप ड्राइवर साइड चलते हैं, तो भाई यहाँ पर आपको इसका कुछ ऐसा स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका, जो कि अभी फोक्सवैगन के सारी गाड़ियों में आ गई, इनका मतलब प्रीमियम क्लास भी हो गया, इफ़ यू टेक द टिगवान एज वेल, तो इसमें आपको सेम ऐसे ही स्टीयरिंग व्हील मिलता है। और आपको जो फोक्सवैगन का जो यूरोपियन मॉडल्स है ना, सेम उनमें भी ऐसे ही आपको मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ ऐसी स्टिचिंग मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको 3-spoke स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जिसमें यहाँ पर आपको कुछ ऐसे सिल्वर फिनिश मिल जाती है। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स, वॉल्यूम बढ़ाने का घटाने का स्टीरियो के लिए, यहाँ पर आपको फोक्सवैगन का लोगो, एयरबैग की बैजिंग, यहाँ पर आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, सब अपना ट्रैक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पेडल शिफ्टर्स मिल जाए, जैसे कि ऑटोमेटिक वेरियंट है तो आपको पेडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको आपके इंडिकेटर के, हाई बीम के, ये सब आपको कंट्रोल्स मिल जाएगा, टिपिकल जर्मन कार्स में इधर ही मिलते हैं। और यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं, इसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिल जाते हैं, मिलते हैं क्या, एक बार मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, इसमें रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, नहीं आप इंटेंसिटी भी एडजस्ट कर सकते हैं। और टिपिकल आपको जर्मन कार्स में जो लाइट का स्विच मिलता है, सेम आपको ऐसे ही मिलता है, अगर आप पुल करो तो फॉग लाइट भी ऑन कर सकते हो, या सब ना यहाँ पर आपको इसका हेडलैम्प कलर भी मिल जाता है। अब बात करते हैं तो भाई, अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं। भाई AC ये तो भाई बहुत सही लगती है, ठीक है। एक बार मैं एक बार भाई 2 मिनट देना, मैं एक बार बोनट बंद करके आता हूँ इसको, वरना आपको दिखा नहीं पाऊँ। हाँ जी भाई, तो मैं बोनट बंद करके आ गया था, तो भाई सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो सबसे पहले आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाया, तो भाई इसका कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो कि भाई GT और इसके फीचर सेम, बस डिफरेंस क्या है ना, यहाँ पर आपको ये ब्लू मिलता है, GT में आपको रेड मिलता है। और चीज़ों की बात करें तो इसकी डिफॉल्ट स्क्रीन है, जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करो तो आपको ये डिफॉल्ट स्क्रीन मिलेगी, या तो यहाँ पर आपको इसका स्पीडोमीटर मिलता है, जो कि डिजिटली स्पीड दिखा रहा है, यहाँ पर आपको टाइम दिखा रहा है, यहाँ पर आपको आउटसाइड टेम्परेचर, यहाँ पर आपको इसका इंजन टेम्परेचर गॉज मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि क्या होता है, हमें लो टेम्परेचर लेफ्ट से पढ़ने की आदत होती है, यहाँ पर आपको लो टेम्परेचर राइट से दिया, उस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन एक बार आदत लगने के बाद उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर आपको 50, 90, 130 करके दिया भाई। एक टिप देता हूँ, अगर आपकी गाड़ी का टेम्परेचर 90 डिग्री से ऊपर जा रहा है ना, तो अगर आप चेक करा लो, उसके हो सकता है कूलिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको दिखा रहा है आपकी गाड़ी कौन से गियर मोड में, जैसे कि ऑटोमेटिक वेरिएंट, तो यहाँ पर आपको पार्किंग मोड दिखा रहा है, यहाँ पर आपको रेंज दिखा रहा है कि आपकी गाड़ी में करंट फ्यूल के साथ गाड़ी कितनी चल सकती है। और यहाँ पर आपको इसमें फ्यूल गेज मिल जाता है, जो कि आपको दिखा रहा है आपकी कार में फ्यूल कितना है। और चीज़ों की बात करें, कुछ छोटे छोटे फीचर्स दिखाया था इसमें आपको, एनालॉग कम डिजिटल स्पीड दिखाया, मतलब स्पीड दिखाया 260 तक, इसमें आपको टॉप स्पीड की मार्किंग की, इतनी स्पीड तक ये गाड़ी डिजाइन है, इतनी स्पीड तक ये गाड़ी जा सकती है। यहाँ पर आपको इसका गियर मोड मिल जाता है, यहाँ पर आपको इसमें स्पीड दिखा रहा है कि क्या स्पीड आपको मिलती है, और आपको इसमें आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह भी, आप क्या देखना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको इसका टैकोमीटर मिल जाता है, जो कि दिखा रहा है कि यहाँ पर आपको 8000 तक मेरा मार्किंग मिल जाता है। आपको ये कार आपको पेट्रोल में ही मिलती है, डीजल में आपको ये कार अवेलेबल नहीं मिलती, फोक्सवैगन डीजल नहीं बेचते हैं, ठीक है। तो भाई ये बात हो गई टाइगून की फ्रंट सीट्स के बाद, अब मैं आपको एक बार पीछे ले चल के दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो भाई सबसे पहले सीट एडजस्टमेंट की बात करें, तो इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल मैनुअल एडजस्टमेंट मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट आपको इस गाड़ी में नहीं मिलती, टिगवान के किसी वेरियंट में, इवन आप GT में भी चले जाओगे ना, जो कि आपको 21 लाख रुपये का करीब करीब पड़ता है, उसमें भी आपको नहीं मिलती, ठीक है। तो चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि पीछे कैसा स्पेस है, क्या चीज़ें मिलती है, मैंने अपने हिसाब से सीट एडजस्ट की। अब आप बोलो कि भाई पहले स्पेस दिखा जाए, दोबारा की दुकान भाई, जो टाइगून टॉप लाइन का ओनर है, मतलब जो बायर है भाई, उसको भी तो दिखाना जरूरी है भाई कैसा है, ठीक है। तो भाई मैं गाड़ी के पीछे आ गया, जैसे कि आप देख सकते हो, एक बार आपको स्पेस दिखाते हैं, ये देखो भाई स्पेस भाई बहुत सही अच्छा खासा, इसमें आपको स्पेस मिल जाता है। हेडरूम की बात करो भाई, हेडरूम इज ऑल्सो गुड, कोई हेडरूम में कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 फुटर भी अगर बैठेगा तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं, जो कि एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको एक सेंट्रल आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इसका रेयर AC वेंट्स मिल जाते हैं, विद 2 टाइप C USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, जो कि मैं कहूँगा एक टाइप A दे देता, साथ ही एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दे देते ना भाई, वो एक सही चीज़ होती है। जैसे मैंने आपको बताया, किसी का फोन टाइप C से कंपेटेबल नहीं होता तो एक दे देते, वो एक सही चीज़ होती है। एज अ मिडिल पैसेंजर एक बार बैठ के देखते हैं यार, ये तो एज अ मिडिल पैसेंजर आपको होता ना, थोड़ा थोड़ा सेंटर आर्मरेस्ट की वजह से अनकंफर्टेबल है, अदरवाइज वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको पैर वगैरह भी रखना है तो भाई 6 नंबर से बड़ा जूता तब आपको प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ से थोड़ा सा अंडर था सपोर्ट मिडिल पैसेंजर के लिए कम हो जाता है। यहाँ पर आपको इसमें थोड़ी सी सिल्वर फिनिश, पियानो ब्लैक फिनिश भी मिल जाती है।
और डोर कार्ड की बात करें तो भाई और चीजों की, तो भाई यहाँ पर आपको इसका भाई और चीजों की बात करें तो आपको एक बार इसका डोर ओपनर दिखा दो भाई। सॉरी एक्चुअली क्या ना स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम, उसकी वजह से वीडियो स्टॉप हो गई थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। यहाँ पर आपको इसका कुछ ऐसा ऑडियो जैसा डोर ओपनर मिलता है जो कि भाई बहुत से लगते हैं। यहाँ पर आपको डोर पकड़ने के लिए हैंडल मिल जाता है, यहाँ पर आपको एक वो भी मिल जाता है, क्या कहते हैं इसका वो मिल जाता है, क्या कहते हैं आपका पावर विंडो का स्विच मिल जाता है। यहाँ पर आपको इसमें वो भी मिल जाता है, क्या कहते हैं कुछ ऐसे लेदर फिनिश मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ब्लैक और व्हाइट का ट्रीटमेंट मिलता है, बेज में थोड़ा गंदा होने की शिकायत आपको मिलेगी, अदरवाइज आपको व्हाइट ही मिलता है। यहाँ पर आपको वो एक बॉटल होल्डर अलॉन्ग विद स्पीकर आपको मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक कुछ ऐसे कैबिन लाइट मिल जाती है जिसमें आपको LED मिलती है, जिसकी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये बात हो गई टाइगून के बारे में। तो भाई आपको ये गाड़ी कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो कैसी लगी वो भी बताना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, मैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे वीडियोस के लिए, ठीक है भाई। और आपको बताओ जो इनकी प्रीमियम कार है ना भाई, वो उसकी भी वीडियो आने वाली, तो भी उसके लिए भी मैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड साइन, आई एम साइनिंग ओके। अब चलो अगली वीडियो मिलते हैं।